हेलो फ्रेंड्स, गावरान तड़का रेसिपी में मैं वर्षा एवले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चौला फली के दाने का पुलाव। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। गैस के ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करके लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खड़े मसाले, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च। हमें हल्के मसाले फ्राई कर लेने हैं बस 30 सेकंड तक। अभी इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जीरा। सब चीज़ें हमारे हल्की फ्राई हो चुकी है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2-3 हरी मिर्च के साथ इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। हल्का हमें मिनट भर प्याज को फ्राई करके लेना है। यहाँ प्याज फ्राई हो चुका है तो इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड की है। अदरक लहसुन की पेस्ट भी हम हल्की इसको फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट फ्राई हो चुकी तो इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 टोमेटो लिए हैं जिसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और प्याज के साथ हल्का टोमेटो हमें फ्राई कर लेना है। फिर इसमें मैंने ऐड किए हैं चौला फली के दाने जिसको मैंने रात भर से भिगा के रखे थे। तो इसका पुलाव सब्जी बहुत अच्छा लगता है। तो ये चौला फली के दाने को भी हम 2 मिनट तक फ्राई करके लेंगे और गैस को मीडियम रखेंगे। तो यहाँ मैंने चौला फली के दाने को हल्का फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें पाउडर मसाले डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें ऐड करेंगे चावल। मैंने यहाँ खड़े मसाले यूज़ किए तो इसलिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला बाकी का यूज़ नहीं किया। आपको चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो या आपको जो जो मसाले पसंद है वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे राजमा मसाला, छोले मसाला। इस पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपको पसंद हो तो डाल सकते हो। तो लेकिन मैंने बस खड़े मसालों का यूज़ किया है। चावल मैंने 1 कटोरी लिए है जिसको अच्छे से धो के लिया था और सब चीज़ों के साथ 1-2 मिनट चावल फ्राई कर लिए है। फिर इसमें मैंने पानी ऐड किया है 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी पानी। मीडियम गैस के ऊपर 5-6 मिनट चावल उबाल लिए हैं मैंने। अब पूरी तरह से गैस कम करेंगे और 10-12 मिनट के लिए चावल छोड़ देंगे। तो यह 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ हमारा ये चौला फली के दाने का पुलाव खाने के लिए रेडी है। बहुत ही मस्त टेस्ट आती है और बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का, बहुत झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म चौला फली के दाने का पुलाव खाने के लिए रेडी है। दही अचार, कांदा, नींबू जिसके साथ खाना हो आप खा सकते हो, बहुत मस्त लगता है। अगर आपको ये पुलाव पसंद आता है तो 1 लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।